ये अब रिमाना आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है तो बेसिकली सी एस आई आर का रिज़ल्ट आया था फोर्टीथ ऑफ अक्टूबर को और आज दैट इज़ फिफ्टी ऑफ अक्टूबर को आपकी कट ऑफ़ रिलीज़ कर दी गई है अभी तक उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ नहीं की थी अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार जितने बच्चों ने uh, जो रिस्पॉन्स दिया था वो ये था कि मैम पेपर वॉज ऑन अ टफ़र साइड पेपर एक डिफिकल्ट साइड पर था क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे या फिर आ, अगर हम बोले मिक्सिंग था क्वेश्चन का इंटरमिकसिंग था यूनिट्स का क्वेश्चन बनाने के समय पर बट उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ देखोगे तो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की तो आ, हम सीधे लाइफ साइंस सब 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 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आप खुद से देख सकते हैं कैटेगरी वन दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो कैटेगरी थी वहाँ पर लाइफ साइंस में जो जे आर एफ यू आर में कट ऑफ है वो है नाइन्टी नाइन पॉइंट जीरो एट ई डब्ल्यू एस में नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव टू ओ बी सी नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर फोर एस सी नाइन्टी वन पॉइंट सेवन एट एस टी एटी सेवन पॉइंट एट टू एंड पी डब्लू डी सिक्सटी नाइन पॉइंट वन थ्री ये आपकी कट ऑफ है परसेंटाइल के बेसिस पर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जो कैटेगरी सेकेंड है आपको जिसको हम एल बोलते हैं वहाँ पर लाइफ साइंस में नाइन्टी कट ऑफ है बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है मतलब जो कैटेगरी थ्री है वहाँ पर जो उन्होंने आ, बेसिकली क्या बोला है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पी एच डी एज पर यू जी सी गाइडलाइंस एंड सब्जेक्ट टू सेटिसफाइंग मिनिमम बेंच मार्क ऑफ थर्टी थ्री परसेंट फॉर जनरल ई डब्लू एस ओ बी सी कैटेगरी एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एस सी एस डी एंड पी डब्लू डी कैटेगरीज तो बेसिकली उन्होंने कोई परसेंटाइल एस एच नहीं है परसेंटेज में बता दिया है कि मिनिमम बेंच मार्क इतना परसेंटेजी आपका आ रहा है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि इस कैटेगरी का क्या ही फ़ायदा है बट uh, एक अलग से मैं आपके साथ में एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जहाँ पर हम बात करेंगे इस कैटेगरी से क्या बेनिफिट या क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है ए बी सी पार्ट की कोई अलग से कट ऑफ़ नहीं आती है क्यूमिटिव कट ऑफ होती है इसके अलावा रैंक्स जो है वो सब सक्स जितनी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको अकॉर्डिंगली मिल जाती है ठीक है बाकी यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मिनिमम बेंच मार्क है कितना कितना हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ओके okay, इनके अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन मेंशन है और उसको ही फाइनली फाइनल ट्रीट किया जाएगा ठीक है लाइफ साइंस सब्जेक्ट में द रॉ मार्क्स ऑप्टेंड हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इनटू एनटीए स्कोर बाय परसेंटाइल एंड रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परसेंटाइल कट ऑफ एज इंडिकेटेड सो दिस इज इट Uh, जिनका भी इस कट ऑफ़ के ऊपर है डेफ़िनेटली उनका सिलेक्शन हुआ है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त काफ़ी लोगों के मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं uh, जिनके नहीं आए हैं मेक श्योर कि आप ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे ठीक है दिस इज़ इट वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड येस कट ऑफ के बारे में हम अलग से डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है